आपको बता दें, गर्भ में बच्चा 9 महीने ही क्यों रहता है, इसका एक वैज्ञानिक आधार है तथा हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह बताए गए हैं, जिनमें 2 छाया ग्रह हैं और हर ग्रह अपनी अपनी किरणों से गर्भ में पल रहे बच्चे को विकसित करता है। आपको बता दें, हर ग्रह अपने मन के अनुसार बच्चे के शरीर के अंगों को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाता है। अगर कोई ग्रह गर्भ में पल रहे बच्चे के समय कमजोर शत्रु राशि में होता है तो उस समय में उपाय से उसको ठीक किया जा सकता है। इस उपाय को करके आप अपने बच्चों के ऊपर से सारे संकट दूर करा सकते हैं। आपका ग्रह मजबूत होगा, साथ ही आपका बच्चा भी काफी दिमागदार पैदा होगा। चलिए आपको बताते हैं, गर्भावस्था के प्रथम माह तक शुक्र का प्रभाव रहता है। अगर उस समय में शुक्र ब्रह्मांड में कमजोर या वक्री हो तो शुक्र को मजबूत करना चाहिए। यदि शुक्र मजबूत होगा तो बच्चा बहुत सुंदर होगा, नहीं तो ऐसी स्थिति में शुक्र का दान ना करें। अगर दान किया तो शुक्र कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दान सिर्फ उसी ग्रह का करें जो पापी और क्रूर हो और उसके कारण गर्भपात का खतरा हो। आपको बता दें, दूसरे महीने मंगल का प्रभाव रहता है। मंगल को मजबूत करें तथा लाल वस्त्र धारण करें। तीसरे माह में गुरु प्रभाव के लिए पीले वस्त्र ज्यादा धारण करें। चौथे महीने में सूर्य का प्रभाव रहता है। आपको बता दें, पांचवें महीने में चंद्र का प्रभाव होता है तथा चंद्रमा माता वे मन का कारक है, यह शुभ भी होता है। आपको बता दें, छठे मास में शनिदेव अपना प्रभाव रखते हैं। सातवें महीने में बुध प्रभावित करता है। बुध ग्रह का उपाय करने से बुध को बल दें, क्योंकि यह ग्रह बुद्धि का कारक है। आठवें माह में फिर चंद्रमा का और अंतिम माह को सूर्य प्रभावित करता है। इस समय नीच ग्रह के लिए हवन पूजा कराना बहुत जरूरी हो जाता है। माँ का गर्भ ग्रहों की किरणों से जितना तपेगा बच्चा उतना ही मजबूत, महान और मेधावी होगा। इससे बच्चा होशियार और काबिल भी पैदा होता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।